दर्पण में आपका स्वागत है। देश का गौरवशाली इतिहास, कहानियाँ, किस्से व रोचक जानकारियों के लिए ज्ञान दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री जी स्वयं शेखावत साहब के बहुत नजदीकी रही है, राजनीति में उन्होंने शेखावत साहब के नीचे राजनीति सीखी है। अब ये जानती है कि अंत्योदय योजना जो है वो शेखावत साहब के दिल के कितने करीब थी। और शेखावत साहब ने, आपको ध्यान होगा, जब 1977 में मुख्यमंत्री बने तो राजस्थान भारत के सबसे गरीब राज्यों में थे और उन्होंने अंत्योदय योजना बनाई जिसका क्रियान्वयन किया और राजस्थान को ऐसे प्रगति के पथ पर लेकर गए। और मुख्यमंत्री जी ने उनके सम्मान में उसी अंत्योदय योजना को दोबारा चालू किया है। ये एक बहुत, इस बजट में जो उन्होंने घोषणा की है, एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ पधार रहे हैं। प्रथम बार उनका राजस्थान आगमन है इस पद पर पदासीन होने के बाद, और वे इसका, इस योजना का उद्घाटन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी बात है, बहुत ही सुकून की बात है। जातिवाद कभी आएगा ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि आज भी राजस्थान में इतना जातिवाद नहीं है। राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बेहद लगाव रखती है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे, जो भी केंद्रीय पार्टी जिसे भी हमारा प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजेगी, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सबके सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अगर दूरियाँ होती हैं तो चुनाव आते आते वो दूरियाँ खत्म होती हैं। और हम प्रयास करेंगे कि जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए ज़रूरी समय ये है कि अगर लोकसभा चुनाव के पहले, हम सब चाहते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी निर्णय होगा, सभी कार्यकर्ता उसका तहे दिल से उनके आदेशों की पालना करेंगे और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। भैरव सिंह जी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में आप अपनी भूमिका किस रूप में? मेरी बहुत छोटी सी भूमिका है, क्योंकि शेखावत साहब के साथ जो उनका जो जुड़ाव था वो राजस्थान की जनता के लिए था। उन्होंने कभी खुद के लिए या खुद के परिवार के लिए कोई कार्य नहीं किया और इसीलिए मैं मानता हूँ कि मैंने हमेशा ये कहा है कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का जितना मेरा दायित्व है, उससे अधिक दायित्व बाकी राजस्थानियों का है, भारतीय जनता पार्टी का है। और मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि सभी लोग उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए आपकी भी तैयारी है? तो आप चुनाव लड़ेंगे, 2018 के चुनाव आपको मिलेगा तो आप भी लड़ेंगे, जिसको टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा। मैं तो बचपन से तैयार हूँ, लेकिन मेरा हम जो भी चुनाव लड़ेगा, हम लोग, हमारा पूरा परिवार उसके साथ रहेगा। जो भी भारतीय जनता पार्टी से 200 विधानसभा क्षेत्रों से जिसे भी सिंबल मिलेगा, हमारा परिवार उसके साथ रहेगा। ये 1952 से आज तक हमारा परिवार राजस्थान विधानसभा में पहुंचता आया है। मेरे हिसाब से विरले एक बहुत कम उदाहरण ऐसे पूरे भारतवर्ष में होंगे। और हमारा परिवार, मैं मानता हूँ कि जो जनता का स्नेह लगातार 70 वर्षों तक हमारे ऊपर बना रहा है, इसे हम आगे भी जारी रखेंगे। इसमें कभी हम इस कड़ी को टूटने नहीं देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमारे लिए तो हमारा इतिहास है कि महाराणा प्रताप ने जब अकबर से युद्ध लड़ा, मुगलों से युद्ध लड़ा, तो उनके साथ में आदिवासी भी जुड़े, जाट भी जुड़े, गुर्जर भी जुड़े, अहीर भी जुड़े, तो सभी ने मिलकर जब युद्ध लड़ा, दलित भी जुड़े, सब ने मिलकर इस देश के लिए युद्ध लड़ा है। तो ये राजस्थान की भूमि में इस तरह का जो जातिवाद लाया जा रहा है, इससे मैं बहुत व्यथित था। और मैं मानता हूँ कि अगर शेखावत साहब आज विराजमान होते तो वो बहुत व्यथित होते। तो उनके प्रति हमने एक सम्मान जताने के लिए, उनके जो विचारों को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया कि एक जातिवाद पे प्रहार तभी हो सकता है जब हम अपने आप को राजस्थान के नाम के सूत्र में बांधें। इसलिए भैरव सिंह शेखावत जी के नाम पर जो ये बाबू सा स्मृति अभियान चलाया जा रहा है, इसका मात्र एक मकसद है कि बाबू सा के नाम पे भैरव सिंह जी शेखावत वो जाजम है जिसपे सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ आके बैठ सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वापस राजस्थान को एक साथ जोड़ा जाए, इसलिए अभियान शुरू किया, जिसमें सबसे यही निवेदन किया गया कि उनके नाम पे पूरे राजस्थान में एक कार्यक्रम जहाँ पे भी है, भले कोई गली में रखे, कोई अपने गाँव में रखे, ढाणी में रखे, उनके नाम पे कार्यक्रम हो और वहाँ पे सभी लोग जुड़े, सभी जातियों के लोग आए और उनसे जुड़ी हुई अपनी यादें, उनकी जो सीख जो जातिवाद से कई ऊँची थी, उसको याद करते हुए हम वापस एक हों। ये इतना बिखरना राजस्थान के लिए नहीं है, ये दुनिया में कहीं भी लोग बिखर सकते हैं लेकिन राजस्थान में लोगों को नहीं बिखरना चाहिए। ये हमारा इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास एकता का, समानता का इतिहास है और मैं चाहता हूँ वही हमारा भविष्य। ठीक, अपने माइक पीछे करो। दोस्तों, हम एक नई जानकारी के साथ फिर अगले वीडियो में हाजिर होंगे। यदि आपको हमारी जानकारियाँ पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर
आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली नई जानकारियों की वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद।